वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। तो दीपावली यूं तो धीर गंभीर और धीरोदत्त नायक राम का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार में सबसे ज्यादा कौतूहल और सबसे ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं छोटे बच्चे। उनके लिए बड़ा बड़ा जबरदस्त उत्सव का समय होता है। माएँ दीपक देती हैं कि जाओ रखकर आओ, कोई पटाखों के चक्कर में लगा हुआ है, कोई मिठाई के चक्कर में लगा हुआ है। तो हमारी माँ सरस्वती के आंगन में भी कुछ छोटे छोटे बच्चे इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हैं। देश भर में लोग सोशल मीडिया पर, टीवी पर उन्हें सुन रहे हैं और उस स्वर में खो रहे हैं और लोग आशीर्वाद लुटा रहे हैं। तो आज दीपावली के इस प्रतीक्षा पर्व में हमने आंगन में एक ऐसी बेटी को आमंत्रित किया है, एक ऐसी बच्ची को आमंत्रित किया है, एक ऐसे परिवार को आमंत्रित किया है जिस पर माँ वीणा पाड़ी अपना स्वर लुटा रही है। यानी कि आप समझ गए होंगे, हमारे लोक रंग और पारंपरिक रंग और सुगम संगीत को एक साथ मिलाकर अपने बीज मन में बड़ा करने वाली एक छोटी सी लेकिन बड़ी गायिका मैथिली ठाकुर हमारे बीच है पूरे परिवार के साथ। बहुत बहुत स्वागत, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो ये तो मैथिली हैं, आपका नाम क्या है? अयाची ठाकुर। अयाची, इसका मतलब क्या होता है? जो किसी से कुछ मांगे ना याचना ना करे। क्या? और आपका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ का अर्थ क्या है? सारेगामापधनिसा में जो रे होता है उसका। क्या बात है, संगीत पर ही है। तो आइए स्वागत कीजिए अपने आंगन में इन तीनों का, बहुत जोरदार स्वागत है आप सबका। तो मैथिली, पहले तो ये बताओ बेटा कि ये तो तुम्हारा बिल्कुल ऐसा समय है कि जो तुम इस समय स्नैपचैट पे होती, सहेलियों के साथ होती और पूरे देश भर में तुम्हारा नाम है, तो संगीत कहाँ से आया? विरासत में है कि खुद सीखा, कैसे? संगीत चलता आ रहा है हमारे परिवार में। मेरे दादाजी फोक के बहुत अच्छे गायक हैं और काफ़ी इंस्पायर करते हैं मुझे। मैथिली, आप तो मिथिला की हैं और मिथिला में हमारे भगवान राम का विवाह हुआ। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, तो हमारे लिए तो वो हमारी माँ का घर है जो हमारे गांव तक आई। तो आपको तो माँ ने, दादी ने ऐसे बहुत सारे गीत सुनाए होंगे राम के शादी के समय, जब राम वहाँ पहुंचे, आपके पाहुन है राम। हाँ, उससे पहले जब वो पाती लेके जाता है नाई। अच्छा, पहली बार जब प्रस्ताव जा रहा है, प्रस्ताव जा रहा है, बात है? शादी जब होगी तब ना, जब प्रस्ताव। क्या बात है, वाह, वही सुना दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। जनक दरबार।